सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज आजमगढ़ के चढ़ई गांव में थे, जहां शहीद जवान परविंद यादव के परिजनों को ढाढ़स बधाया। यहां मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शिवपाल ने खुलकर कुछ न बोलकर भी कई बातें कही। देश में विपक्षी एकता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को पटना में महाजुटान होने वाला है। विपक्ष भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रहा है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने मौजूदा सियासत में विपक्षी एकता को बेहद जरूरी बताया। हमारा प्रयास है कि विपक्ष की जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो इकट्ठे हों और सभी मिलकर के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सपा हर हथकंडा अपना रही है। अटकलों का बाजार गर्म है। शिवपाल आजमगढ़ से दांव आजमा सकते हैं। जब मीडिया ने इस बाबत शिवपाल से सवाल किया तो उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा। वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, अब कोई न कोई तो चुनाव तो लड़ेगा ही, लेकिन ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। विपक्ष की एकजुटता की कवायद पर भाजपा ने तीखा तंज किया है और कहा कि 2024 में मोदी नाम की सुनामी में विपक्ष हवा हो जाएगा। 25 लोग खिचड़ी बना करके भी सत्ता में नहीं आ सके, और ऐसा नहीं कि गठबंधन पहले नहीं हुआ है, पहले भी गठबंधन सपा बसपा एक होकर के लड़ चुकी है, कांग्रेस कम्युनिस्ट सब एक होकर, तभी मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए, तो इस बार तो सुनामी बहेगी। जाहिर है गर्म मौसम के साथ साथ सियासत की प्रचंडता अभी और बढ़ेगी। वाराणसी में एक तरफ ओपी राजभर के सीएम योगी से मुलाकात की अटकलें तेज हैं, तो वहीं ओपी राजभर ने खबर का खंडन करते हुए मुलाकात न होने की बात कही। वाराणसी के सर्किट हाउस में ओपी राजभर के सीएम योगी से मुलाकात की खबरों ने सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया है। हालांकि ओपी राजभर का कहना है कि उनकी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। उनको कोई सूत्र मिला होगा, लेकिन हमारे यहाँ से कोई ऐसी ना मुलाकात है ना कोई बात, कमरे में गुप्त मुलाकात है, ऐसा कोई बात नहीं। मुलाकात की चर्चा के बीच ओपी राजभर का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश, मायावती, जयंत चौधरी, सोनिया गांधी और ओपी राजभर एक होंगे तो यूपी में 75 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतेंगे। तो हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन हमको बता दें कि फला तारीख को इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओ, तो 2 घंटे पहले हमको सूचना दें, हम आ जाएंगे। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर दोनों दल साथ आते हैं तो फायदा होगा। तो मैं तो सदैव कहता हूं कि आप जो है भाजपा के साथ रहें तो आपके भी वोटर को भी अच्छा लगेगा और हम लोग को भी अच्छा लगेगा, और जहां दूसरे जगह जाते हैं तो हम कहते हैं भाई विमेल गठबंधन है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, आपने देखा होगा कि ज़्यादा दिन तक चला नहीं, तो इसलिए यहां आएंगे तो उनको भी लाभ है और हम लोग को भी लाभ है। इसलिए सारी संभावनाएँ बनी रहती हैं, राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है जो संभव ना हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।